नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के हनुमान मंदिर में राकांपा द्वारा पढ़ी गई हनुमान चालीसा, महंगाई जैसे संकटों को दूर करने के लिए किया गया यह पाठ। नागपुर में राणा दंपति द्वारा पढ़ी गई हनुमान चालीसा, बड़ी मात्रा में राणा समर्थक थे उपस्थित। और बच्चू कड़ू ने दी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया, साधा मोदी सरकार पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। राकांपा कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर के रामनगर इलाके के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इस वक्त कई राकांपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। महंगाई और कोरोना जैसे संकटों को दूर करने के लिए और नागरिकों की शांति के लिए इस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पठन का आयोजन किया गया था। राकांपा द्वारा हुई बैठक में उन्होंने जानकारी दी थी कि 28 मई को नागपुर के रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में राकांपा कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आज नागपुर के रामनगर के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ी गई। राकांपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सहभाग लिया। कोरोना और महंगाई जैसे संकटों को दूर करने एवं समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राकांपा द्वारा हनुमान चालीसा पठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पे पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर में एक हनुमान चालीसा का पठन और सुंदरकांड का पठन किया है। सिर्फ उसका उद्देश्य इतना है कि विश्व में शांति फैले, अपने देश में जो अराजकता फैली हुई है, अपने जो देश में महंगाई फैली हुई है, जो बड़ी है, जो बेरोजगारी बड़ी हुई है, वो उसमें भगवान के चरणों में हमने यही प्रार्थना किया है कि भगवान जो केंद्र में जो शासन चला रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, जो देश के गरीब लोग हैं, जो देश को बेरोजगार है, जो देश में महंगाई से जो त्रस्त है, उन लोगों के लिए वो कम से कम उनकी सुविधा देवे। इसलिए ये सांकेतिक आज जो यहाँ का हनुमान चालीसा का पठन और सुंदरकांड का पठन किया है। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी मिलकर आज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पठन किया, भगवान से विनंती प्रार्थना की और वो केंद्र शासन को सद्बुद्धि देने की हमने प्रार्थना की। शहर आणि ग्रामीणच्या वतीने एक महागाईच्या विरोधात आणि या देशावर आर्थिक संकट जे आलेलं आहे त्या संकटातून या देशाला मुक्त होण्याच्या माध्यमातून हनुमान चालीसा पठन आणि सुंदरकांडचं आज इथं आयोजन करण्यात आलं होतं। काही ठिकाणी पोलीस विभाग म्हणा किंवा मीडियाच्या माध्यमातून असं एक वातावरण तयार करण्यात आलं नागपूर जिल्ह्यामध्ये की बाबा नवनीत राणा इथं येत आहे आणि एक राष्ट्रवादी त्याच्या विरोधात इथं उतरत आहे, असा आमचा काही उद्देश नसून दरवर्षी दुनेश्वरजी पेटे असो, प्रशांत पवार साहेब असो, हे टेकडीवरचं गणपतीचं मंदिर आहे आणि अनेक अशा ठिकाणी असे उपक्रम करत असतात। आम्ही मागच्या शनिवारीच हा कार्यक्रम करणार होतो परंतु सर्व इथं पदाधिकारी उपस्थित नसल्यामुळं हा कार्यक्रम आज आम्ही आयोजित केला आणि अनायसे राणा पण आजच येत आहेत, त्यामुळं हा आमचा कोणता राजकीय हेतू नसून जनतेला, या देशातल्या जनतेला या महागाईतनं मुक्तता मिळावी हाच एक उद्देश ठरून आम्ही हा इथं कार्यक्रम आयोजित केला। निजी विमान कंपनी इंडिगो एअरलाइन्स पर आरोप लगा है कि उसने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद नगर विमान महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद से बच्चे के माता पिता ने फ्लाइट में सवार होने से मना कर दिया। ये घटना 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट के दौरान हुई। इस मामले पर सफाई देते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि बच्चा घबराया हुआ था जिसकी वजह से उसे फ्लाइट में जाने से मना कर दिया था। तो वही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का कहना है कि जांच में पाया गया कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने पर स्थिति को संवेदनशील और जटिल बना दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया था। दरअसल ये मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा था जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद मामले में संज्ञान लेना पड़ा।
उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। जांच में इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया और बाद में कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। लग्जरी जिंदगी जीने के लिए घरों में सेन लगाकर चोरी करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हुए जाने माने चोर अभिमन्यु गुप्ता को विनोदा भावे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर अभिमन्यु गुप्ता ने 18 मई को कुरला के ईसाई गांव में एक घर में घुसकर घर से 279 ग्राम सोना और 1341 ग्राम चांदी की चोरी को अंजाम दिया। उसके बाद मकान मालिक मीरा सिमरैया ने विनोबा भावे थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर वरिष्ठ निरीक्षक राजीव चव्हाण ने टीम बनाकर जांच शुरू की। खबरियों से जानकारी मिलने के बाद अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पहले ही मुंबई, ठाणे और वसई विरार में चोरी कर चुका है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजीव चव्हाण के अनुसार चोर टिकटॉक और सोशल मीडिया में प्रसिद्ध है और उसके लाखों फॉलोअर्स है। वह केवल लग्जरी जीवन जीने के लिए ऐसा कर रहा है। आरोपी के पास से सोना चांदी के आभूषण, 14 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप जब्त किए गए। 17 तारखेला रात्री परेराचाळ ख्रिश्चन विलेज इथली रहिवासी महिला तिच्या बहिणीकडे गेली होती। जाताना तिनं स्वतःचं घर बंद केलं होतं। दुसऱ्या दिवशी तिला माहीत पडलं, तिथेच तिची बहीण राहते, की तिच्या घरामध्ये लॉक तोडून चोरी झालेली आहे। आम्ही पहिल्या दिवशी लगेच जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली, काही गुन्हा नोंद करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि सदर परिसरामध्ये मी माझ्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाच्या मदतीनं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं आणि तांत्रिक तपास सुरू केला। तांत्रिक तपासाच्या आधारे पहिल्यांदा आरोपीला डिस्क्लोज केलं आणि नंतर त्याला आयडेंटिफाय करून हा गुन्हा उघडकीस आणला। सर, नेमकं त्यामध्ये किती चोरी झाली होती आणि आरोपी कुठून अटक केला? या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीचं जवळजवळ 25 तोळे सोनं आणि 1.5 किलो चांदी असा ऐवज चोरी झाला होता आणि हा सर्व ऐवज आरोपीकडून आपण हस्तगत केलेला आहे। सोबत आरोपीनं जी घरफोडीसाठी हत्यारं वापरली होती तीसुद्धा आपल्याला मिळालेली आहे। आरोपीने या प्रकारे ख्रिश्चन विलेजमध्ये 2-3 ठिकाणी यापूर्वीसुद्धा चोरी केली होती। ते गुन्हेसुद्धा त्यानं कबूल केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आरोपीचा अभिलेखसुद्धा आपल्याला मिळून आला आहे। त्यानं नवी मुंबई, ओशिवरा झू या पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा या प्रकारचे घडपोडीचे गुन्हे केलेले आहेत। तर एकूण किती आरोपी आहेत? एकटाच आहे की त्याच्यासोबत अजून कोणी? हा, या आरोपीचं एक वैशिष्ट्य आहे, हा एकदम कॅज्युअली चांगली कपडे, टी शर्ट आणि जीन्स, मॉडिफाईड जीन्स वगैरे असे कपडे घालून एकदम सिम्पली असा मूव करतो। रात्रीच्या वेळेस एकटाच मूव करतो आणि त्याच्या पाठीवरील बॅगमध्ये घरपोडीचे हत्यारे असतात। बंद घर बघून तो 10-15 मिनिटांमध्ये चोरी करतो आणि एकटाच पळून जातो। आणि ही सगळी जी चोरीमधून जी काही कमाई होते, माया जमली जाते, ही टिकटॉक किंवा इतर प्रकारे छान चौकी, मौजमस्ती किंवा फॅन्सी हायर लिव्हिंग स्टाईलमध्ये मित्रमैत्रिणी यामध्ये तो खर्च करत असल्याचं आढळून आले। राणा दंपती द्वारा नागपुर के रामनगर इलाके के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हालांकि आज राकांपा द्वारा भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई, लेकिन दोनों को अलग अलग समय मिलने की वजह से कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। इस वक्त कई राणा समर्थक उपस्थित थे और बड़ी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिली। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा ली गई पत्रकार परिषद में बताया गया था कि राणा दंपत्ति नागपुर आकर रामनगर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही उनके द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति न मिलने पर रैली को स्थगित किया गया। जबकि आज नागपुर के रामनगर के हनुमान मंदिर में राणा दंपत्ति और समर्थकों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ी गई। नागरिकों ने इस समय बड़ी मात्रा में उपस्थिति दिखाई, इसलिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। संकट मोचन ची ताकत आमच्या पाठीशी आहे। किती त्रास दिला, किती अन्याय केला, तरी हे लढा माझे महाराजांची शांतीसाठी आणि तसंच लढत राहणार आहे। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। के मंदिर में हमने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री राम भगवंता हनुमान भगवंता को प्रार्थना की संपूर्ण महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें रोका गया, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे पे अन्याय करने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे नागपुर पुलिस के कमिश्नर
उसका धन्यवाद दूंगा कि हमने पुलिस को पूरा सहकार्य किया है और पुलिस ने भी जो भी कुछ लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे उनको बाजू में करने का काम किया और अच्छी तरह से हमारी यहाँ पे हनुमान चालीसा भी हुई, आरती भी हुई। इसलिए नागपुर पुलिस विभाग को मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमको सहकार्य किया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार उनका भी धन्यवाद दूंगा। त्याचप्रमाणे आज हनुमान जीच्या मंदिरामध्ये शनिवारी हनुमान चालीसाचं वाचन केलं आम्ही महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अकोला में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बन रहे अमृत सरोवर से पश्चिम विदर्भ में जहां किसान आत्महत्या करते हैं वहां पानी पैदा होगा और यहां के किसान समृद्ध होंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ पीकेवी और महाराष्ट्र पशु विज्ञान और मत्स्य विश्वविद्यालय मापसू परिसर व ठाकरे हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे, डॉक्टर पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विलास भाले, मापसू के कुलपति डॉक्टर आशीष पलांदुरकर मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अकोला जिले में कृषि विद्यापीठ के परिसर में 34 झीलों का निर्माण करेगा, जिनमें से 20 अमृत सरोवर का आज उद्घाटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के निर्माण के लिए खेत की गहराई से मिट्टी और गाद का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से इस क्षेत्र के 10-12 गांवों की पानी की समस्या दूर हो गई है और अब किसान नींबू की खेती भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से बड़ी झीलों और बांधों के निर्माण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। गडकरी ने विचार व्यक्त किया कि विदर्भ वास्तव में समृद्ध होगा। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला संपर्क प्रमुख सागर जायसवाल को सूचना मिली कि बीफ से लदे ट्रक को बीएसएनएल टावर के मार्ग से नागपुर चंद्रपुर राजमार्ग पर बेला थाना अंतर्गत ब्राह्मणी शिवरा में अवैध रूप से ले जाया जाएगा। 28 मई को सुबह करीब 6 बजे अवैध रूप से गोमांस को ले जा रहे एक ट्रक पर सफलतापूर्वक छापा मारा गया और ट्रक चालक सहित 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल के जिला संपर्क प्रमुख सागर जायसवाल को गुप्त सूचना मिलने के बाद बेला पुलिस को सूचना दी कि नागपुर से आ रहे ट्रक में बीफ आ रहा है।
सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भूषण रमेश कुरसांगे, रोहित जीवन कुकड़े, सौरभ अंकुशवाणी और दीक्षांत धनराज पाटिल मौके पर पहुंचे और ब्राह्मणी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर BSNL टावर के पास ट्रक को रोका। ट्रक ड्राइवर शेख मोहताशिम इमाम, उम्र 32 साल, चालक का नाम कोलसाताल, मस्जिद के पास कमाठी और निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद अशफाक अब्दुल रहमान है। ट्रक में पीली नाड़ी रितेश विजय करनवार उम्र 43 वर्ष मौजूद थे। कार का चालक 36 वर्षीय नजीम खान प्यारे बीप पहुंचाने में मदद कर रहा था। वह मौके पर पहुंचे, अपना परिचय दिया और वाहन छोड़ने का अनुरोध किया। कार समेत आरोपियों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा कर ट्रक का वजन किया तो ट्रक में करीब 28,660 किलो बीप बरामद हुआ। उक्त आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। केंद्र सरकार को BJP का झंडा उठाकर ईडी की छापेमारी करनी चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी कितनी है, इन आंकड़ों को सामने लाना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया बच्चू कड़ू ने दी है। बच्चू कड़ू ने मोदी सरकार पर बोलते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। अच्छे दिनों के नाम पर सरकार ने जनता के साथ अनैतिक व्यवहार किया है, तो वही दूसरी ओर परिवहन मंत्री अनिल परब के घर पर ईडी ने छापा मारा है और मंत्री बच्चू ने इस पर कटु बात की है। बच्चू कड़ू ने मोदी सरकार से अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ईडी द्वारा किए गए छापे की संख्या की घोषणा करने को कहा है। जर आपण जर पाहिलं तर मोदी सरकारांच्या या सगळ्याच्या मध्ये महागाईचा उच्चांक गाठलेला आहे। तो जरी टीव्हीवर त्याचा ब्रेकिंग होत नसेल तर एकंदरीत वाढलेली महागाई आणि त्यांनी जेव्हा सत्ता नव्हती तेव्हा केलेलं आंदोलन याच्यात प्रचंड तफावत आहे। जे धीरूभाई अंबानीनं केलं तेच मोदीजीनं केलं। जिओ फुकटात दिला पण बिल मात्र त्याच्यापेक्षा महागात आकारलं। म्हणजे सिलेंडर फुकट पण गॅस महाग करून टाकलं। हा व्यवहार केला, सामान्य माणसासोबत व्यवहार केला। हा अव्यवहार आहे, व्यवहारही म्हणता येणार नाही। हा काही नैतिक व्यवहार नव्हता। एकाइकडे सिलेंडर वाटप करायचे आणि दुसऱ्याइकडे गॅस मात्र वाढून द्यायचा। असलेलं सिलेंडर बोकांडी बसलं आणि गॅस आता बंद आहे। तुझे एक तरी गोष्ट मोदीजीनं जे बोलले त्याची एखादी गोष्ट पूर्ण केली। एक आपल्याला मान्य करावं लागेल का काश्मीरची 370 कलमाच्या बाबतीत त्यांनी भूमिका घेतली असेल, ह्या बाजू जर सोडल्या तर सामान्याच्या हक्काच्या गोष्टी 50% नफा धरून भाव देऊ असं आपण म्हणत होते, तर आज 25% नफा धरूनसुद्धा भाव देत नाही आहे। तुम्ही सांगत होते का कपास ज्या आमच्या अंगावर जे काही कपडे आहे ते शेतकऱ्याची मेहरबानी आहे, कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची आहे, त्याला आम्ही कधीही मागं पाहणार नाही। त्या कापसाचे काय हाल झाले एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर शेतीमध्ये सगळे कार्यक्रम मोदीच्या राज्यात फसले। 2022 पासून सगळ्यांसाठी घरं असं आपण घोषणा केली होती। आज घराची परिस्थिती पाहिली तर त्याच्यापेक्षा बिकट व्हायला चाललं। याच भुसावळ नगरपालिकेमध्ये पाहिलंय तर 2.5 लाख लोकसंख्या असणाऱ्या भुसावळ नगरपालिकेमध्ये फक्त PMJSY मध्ये 65 घरं वाटल्या गेली। फक्त 65 मागणी 5 ते 7 हजार घरकुलांची आहे आणि आम्ही 65 वाटत असेल तर 2022 पर्यंत सगळ्यांना घर, ही योजना फसली आहे। काय चालू आहे, कोणती योजना चालू आहे ती सांगितलं पाहिजे मोदीजीनं। म्हणून फक्त अजेंडा आहे भोंग्याचा 40 किंवा कोण कुठं काय म्हणतं ते औरंगजेबाच्या समाधीवर कोण हार टाकला तिकडे भोंगा कोणा वाजवला, या देशाचे भोंग्याचे 40 हनुमान 40 किंवा नमाज किंवा अधिक प्रार्थना हे विषय जरी महत्त्वाचे असले तरी ते फार इतर ज्या हक्काच्या गोष्टी आहे, आरोग्याचा विषय आहे, शिक्षणाचा विषय आहे, मजुराचा विषय आहे, कामगाराचा विषय आहे, अपंगाचा विषय आहे, विधवा भगिनीचा विषय आहे, आमच्या याच्यावर रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांचा विषय आहे, हे काही संपले नाही देशातले आणि तुम्ही भोंग्यावर येता आणि तुम्हीसुद्धा ब्रेकिंग करता, याचं नवल वाटते। बच्चू भाऊ अनिल काय सांगणार, फक्त एकच चुकलं आहे ईडीवाल्यांचं का त्यांनी भाजपचा झंडा घेऊन धाडी टाकल्या पाहिजे, एवढी त्यांना विनंती आहे। का आता धाडी टाकताना भाजपचा झंडा घेऊन धाडी टाकावं। तुम्ही सांगा पुऱ्या देशभरामध्ये किती इतर राज्यात धाडी टाकल्या, त्या तुलनेत महाराष्ट्रात किती आहे, याचा आकडा जाहीर केला पाहिजे केंद्र सरकार। केंद्र सरकारसाठी ईडी काम करतं असं म्हणायला हरकत नाही, आता काय म्हणाव तर ते काही सांगावं लागते। महाराष्ट्र में आरोग्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन अभियान योजना में 19 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों को 6 रुपयों में 6 नैपकिन्स वाले किट बांटे जा रहे हैं।
लेकिन गरीब वर्ग में आने वाली सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रश्न को पूरी तरह से मिटाने के लिए 19 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों और महिलाओं को 1 रुपये नाम मात्र कीमत में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना दिनांक 15 अगस्त 2022 से शुरू करने का निर्णय महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से लिया गया है। इस संदर्भ में आज ग्राम विकास मंत्री हसन मुशरीफ इन्होंने कोल्हापुर के शासकीय विश्राम गृह में पत्रकार परिषद ली, जिसमें 1 रुपये कीमत के 10 सैनिटरी नैपकिन का एक सेट देने का निर्णय किया गया है। कृषी आणि ग्रामीण महिलांची कशा पद्धतीने आरोग्याची हेसांड होत असेल याचे चित्रीकरणावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल। आता आपल्या राज्यामध्ये प्रमोशन ऑफ मॅन्युस्ट्रियल हायजीन स्कीम या योजनेअंतर्गत 19 वर्षाखालील युवतींना 6 रुपयामध्ये 6 नॅपकिन्स असलेली किट आरोग्य विभागामार्फत पुरवण्यात येत आहे। आणि आता आज आपण निर्णय घेतो आहे 60 लाख ज्या दारिद्र्यरेषेखालच्या महिला आहेत त्यांना 1 रुपये नाममात्र किमतीनं 10 नॅपकिनचा एक सेट याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 2022 पासून आम्ही या दारिद्र्यरेषेखालच्या महिलांना बचत गटाच्या महिलांना 1 रुपये नाममात्र किमतीनं महिन्याला 1 पॅकेट म्हणजे 10 नॅपकिन त्यामध्ये असतील ते देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे आणि त्याला अंदाजे जवळजवळ 200 कोटी रुपयांचा खर्च येईल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहत पंजीकृत पात्र लाभार्थी जिन्होंने अभी तक बैंक खाता आधार संलग्न नहीं किया है वे तुरंत ऐसा करें ताकि वे योजना का लाभ उठा सके, ऐसी अपील नागरिकों से डिप्टी कलेक्टर विजय बनकर ने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 1,90,746 पंजीकृत हितग्राहियों को अप्रैल 2022 के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते में सभी किस्तों का भुगतान किया जाएगा। इसके अनुसार जिले में पंजीकृत 1,90,746 हितग्राहियों में से 1,57,212 हितग्राहियों का डाटा पीएम किसान पोर्टल में एनपीसीएस के साथ आधार लिंक है और शेष 33,534 लाभार्थियों का डाटा एनपीसीएस के साथ आधार लिंक नहीं है। जिन लाभार्थियों के पास डाटाबेस लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल 2022 के बाद किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी विजया बनकर ने दी। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदी चव्हाण की रिपोर्ट। बीड जिले में पानी की समस्या कई गांवों में गंभीर हो रही है और पटोदा तालुका के चिंचोली के निवासियों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, इस वजह से इस साल पानी की किल्लत हो रही है। 2 साल पहले अच्छी बारिश से पानी की समस्या का समाधान हो गया था, लेकिन इस साल पानी की समस्या गंभीर हो गई है। माझं नाव निर्मला सुनील सांगळे, राहणार चिंचोली, तालुका पाटोदा, जिल्हा बीड। पाण्याची इतकी टंचाई आहे की सकाळी म्हणजे सकाळीच नाही तर रात्री 12 वाजल्यापासून तर सूर्य उगुसर सारखा हापशा 24 तास चालू आहे। पाण्यामुळे काहीच म्हणजे एकदम असं दम लागणं किंवा त्रास होणं, आजारी पडणं हे पण ह्या पाण्यामुळे चालू झालं आहे। एक वेळेस तास भर थांबून 2 हंडे पाण्याचे भरावं लागतील। पाण्याचा प्रश्न मिटवलाच पाहिजे ना प्रत्येक गावामध्ये हे करून। आमची एवढीच इच्छा आहे की हे पाणी आणि हे येणारं जे सांडपाणी ते सगळं हापशामध्ये, मग ते हापशामध्ये मुलं आजारी पडणार, ते म्हणजे व्यक्तीने प्यायचं, घरातले आजारी पडणार, मग हे पाण्याचं पण काहीतरी बघितलं पाहिजे आणि ह्या पिण्याच्या पाण्याची पण सुविधा काहीतरी केली पाहिजे, आमची एवढी इच्छा आहे। बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।